कहते हैं बर्फ और आग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, लेकिन दोनों में एक बात समान होती है कि दूर होने पर ये मजा तो देते हैं, पर दोनों द्वारा सृजित अंत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं बर्फ और आग की शक्तियों वाले गॉडज़िला के बारे में क्या ही कहा जाए। दोनों के विशाल तथा भारी भरकम शरीर अगर जमीन पर पड़ जाए तो धरती भी कांप उठती है। एक अपने चारों तरफ के चीजों को जमा कर उसकी कुल्फी बना देता है, वहीं दूसरे के चलने मात्र से ही पूरा वातावरण आग की लपटों से झुलस उठता है। हम बात कर रहे हैं साल 2019 में आई एनीमे शिनकैंसेन हैनके रोबो शिनकैलियन में दिखा स्नो गॉडज़िला और मॉन्स्टर वर्स के फायर गॉडज़िला की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हम जानेंगे कि क्या हो जब स्नो गॉडज़िला के आइस ब्रेथ से फायर गोजी का एटॉमिक ब्रीड टकरा जाए। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहले बात करें फायर गॉडज़िला की, तो कई लोग इसे बर्निंग गॉडज़िला के नाम से भी जानते हैं। मॉन्स्टर वर्स का ये हीरो हमें साल 2019 में आई मूवी गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखने को मिला। दरअसल लेजेंडरी गॉडज़िला जब किंग गिद्दोरा से लड़ाई करता है तब गिद्दोरा गॉडज़िला को आसमान से जमीन में फेंक देता है और मोथरा को अपने ग्रेविटी बीम से मार डालता है। तभी मोथरा अपनी लाइफ एनर्जी गॉडज़िला को दे देती है और तब जन्म होता है अग्नि से धधक रहे फायर गॉडज़िला की। लेजेंडरी गॉडज़िला का ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी शक्तिशाली होती है जिसके मात्र एक न्यूक्लियर पल से ही गिद्दोरा बिना पंख के इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। साथ ही इसके फायर स्टेट होने के कारण आसपास मौजूद चीजें गर्म होकर पिघलने लगती है, चाहे वो बड़े से बड़े इमारतें ही क्यों ना हो, वह चंद पलों में पिघलकर लावा बन जाता है। इस अवतार में गॉडज़िला अपने चारों तरफ न्यूक्लियर पल छोड़ता है जिसके कारण इसके दुश्मनों का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह गॉडज़िला इतना शक्तिशाली हो जाता है जिस पर किंग गिद्दोरा के ग्रेविटी बीम का भी कुछ असर नहीं होता, जबकि पहले के मुकाबले में इसी ग्रेविटी बीम ने गॉडज़िला को धराशायी कर दिया था। जब यह चारों तरफ न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है तब उसके प्रभाव से किंग गिद्दोरा का पूरा शरीर जल उठता है, जबकि गॉडज़िला के गर्म एटॉमिक ब्रीद से गिद्दोरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यानी फायर स्टेट वाले गॉडज़िला की न्यूक्लियर पल्स एटॉमिक ब्रीद के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली है और गॉडज़िला इस अवतार में अपने शरीर के किसी भी हिस्से से इलेक्ट्रिक शॉक की भांति न्यूक्लियर पल्स छोड़ सकता है। इसके पैरों में भी इतनी शक्ति है जिसके बल को गिद्दोरा नहीं झेल पाता और अपना दम तोड़ देता है। वहीं बात करें स्नो गॉडज़िला की, तो ये साल 2019 का एक एनिमे कैरेक्टर है जो फिल्म की शुरुआत में एक बर्फीले वातावरण में मीकू हत्सुने से सामना करता है और उसे अपने एटॉमिक ब्रीड से हमला करके जमीन में गिरा देता है और अचानक वो हवा में गायब होकर पोर्टल के सहारे एक बर्फीले माउंटेन पर चला जाता है जहां हयातो परिवार के सभी सदस्य अपने सिनकैन निंजा रोबो से उसे लड़ाई करते हैं। मिलिट्री भी गॉडज़िला पर अपनी कैप्चर फील्ड से हमला करते हैं पर स्नो गॉडज़िला का कोई भी सामना नहीं कर पाता। दिखने में ये गॉडज़िला जेमस्टोन के गॉडज़िला पर आधारित है जिसमें है से तथा सिन गॉडज़िला की विशेषताएं शामिल है। स्नो गॉडज़िला की स्किन सिन गॉडज़िला की भांति बम्पी है। इसकी डरावनी आंखें और विशाल पूंछ भी सिन गॉडज़िला की तरह है। वहीं इसकी डोर्सल प्लेट हैसे एरा के गॉडज़िला की तरह है। इसका पूरा शरीर ब्लैक और ग्रे रंग का होता है जिस पर बर्फ की मोटी चादर हरदम लिपटी रहती है। लगभग 390 फीट विशाल ये दानव जब अपने मुंह से एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है तब सिन गॉडज़िला की तरह इसके आंखों में पाए जाने वाली झिल्ली इसके आंखों का बचाव करती है। ये मुंह से परमाणु सांस छोड़ने से पहले खुद को चार्ज करता है जिस वजह से इसकी डोर्सल प्लेट काफी ग्लो करने लगती है और इसके मुंह से निकला एटॉमिक ब्रीथ किसी बर्फीले तूफान की भांति टारगेट की ओर बढ़कर उसका सफाया कर देता है। स्नो गॉडज़िला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गॉडज़िला दूसरे डायमेंशन का एक विशाल जीव था पर जब कॉनबू टनल से इस पर ढेर सारी मात्रा में ग्लोइंग पार्टिकल्स गिरती है तब इसमें इतनी शक्तियां आ जाती है जो बाकी गॉडज़िला से अलग खुद को कहीं भी और किसी भी समय में भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। इसकी रोर इतनी शक्तिशाली होती है जिससे मीलों दूर तक भूकंप आ उठती है। वहीं ये अपने मुंह से आइस ब्रेथ भी छोड़ सकता है। ऐसे में फायर एंड आइस गॉडज़िला के पावर एंड एबिलिटीज की हम तुलना करें तो फिजिकली हैंड टू हैंड कॉम्बेट में बर्निंग गॉडज़िला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये आकार में भी स्नो गॉडज़िला से थोड़ा बड़ा, भारी और कई विशाल मॉन्स्टर से लड़ चुका है। वहीं स्नो गॉडज़िला ने एक साथ कई निंजा रोबो को धूल चटाया है पर अब तक इसने किसी विशाल मॉन्स्टर से दो हाथ नहीं किए। ड्यूरेबिलिटी की रेस में स्नो गॉडज़िला भी किसी से कम नहीं है।
क्योंकि इस पर हुए कैप्चर फील्ड का हमला कई एक्सप्लोजिव का धमाका तथा शिनकेंसेन के धारदार तलवार ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर जैसी ड्यूरेबिलिटी फायर गोजी के पास है, इसकी तुलना आइस गॉडजिला से की भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस पर मॉन्स्टर जीरो के ग्रेविटी बीम का भी कुछ प्रभाव नहीं हुआ था, जो कि काफी है फायर गॉडजिला के ड्यूरेबिलिटी को समझाने के लिए। स्नो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ भले ही उतने शक्तिशाली नहीं होती, पर यह अपने एटॉमिक ब्रीथ से टाइम रैप कर सकता है, यानी यह समय को बदल सकता है और किसी भी दिशा में टेलीपोर्ट होकर दुश्मनों पर हमला कर सकता है। पर शायद बर्निंग गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी इसके एटॉमिक ब्रीथ को झेल ले, पर इसके न्यूक्लियर पल्स का मुकाबला करना स्नो गॉडजिला के लिए मुश्किल हो जाएगा। दोनों ही गॉडजिला की हीलिंग फैक्टर कमाल की मानी जाती है, इसलिए इसमें दोनों लगभग समान है। पर स्नो गॉडजिला की टेल स्वाइप और आइस ब्रीथ से शायद फायर गोजी को झटका लग सके। ये अचानक गायब होकर बर्निंग गॉडजिला पर बर्फ की बौछार कर सकता है, अपने फॉग से फायर गॉडजिला को कुछ देर के लिए अंधा बना सकता है और अपने रोर से उसे कुछ पल के लिए परेशान कर सकता है। पर कुछ घंटों के युद्ध के बाद बर्निंग गॉडजिला के गुस्से और गर्मी को ये एलियन नहीं झेल पाएगा और इस महामुकाबले का विनर मॉन्स्टर वर्स के फायर गॉडजिला की ही होगी। इसकी आग बर्फ को पिघलाकर उसका अंत कर देगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।